ETF। कई बार हमारे जहन में ये क्वेश्चन होता है जब हम इन्वेस्टिंग करते समय ध्यान देते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में जिसे कहते हैं ETF। हमने कई बार इसका नाम सुना है कई लोगों से, लेकिन आज तक हम उस तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि ये ETF होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये म्यूचुअल फंड होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर ये म्यूचुअल फंड है तो इसकी ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ट्रेडिंग नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये किस तरीके का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें हम रियल में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड जो कि एक बंच ऑफ इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसकी ट्रेडिंग भी की जा सकती है। लेकिन ETF बेसिकली होता क्या है और ये काम कैसे करता है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। चलिए इसे एकदम सिंपल बना करके बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी जुड़े रहते हैं जो समझना चाहते हैं कि पॉइंट वाइज पॉइंट ETF काम कैसे करता है, हम इसे खरीद कैसे सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं और शॉर्ट टर्म में इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर हम ETF का फुल फॉर्म देखें तो ज्यादातर जगह हमने यूट्यूब में और बाकी जगह भी ये सर्च किया होगा कि इसका फुल फॉर्म जो है वो है ई फॉर एक्सचेंज, ट्री फॉर ट्रेडेड एंड एफ फॉर फंड। इसमें फंड का मतलब जो है वो म्यूचुअल फंड से है। तो लेकिन इसमें हमें बेसिकली सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये एक्सचेंज होता क्या है। देखिए, एक्सचेंज मतलब होता है, अगर इसे सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में समझे तो एक्सचेंज मतलब होता है एक तरीके की मंडी या बाजार आप कह सकते हैं। बाजार एक सब्जी मंडी भी हो सकती है, एक अनाज की मंडी भी हो सकती है और एक शेयर मार्केट की भी मंडी हो सकती है। क्योंकि शेयर मार्केट जो है उसमें शेयर्स की ट्रेडिंग होती है और शेयर्स जो है वो एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं। इंटेंजिबल प्रोडक्ट यानी कि आप शेयर्स को छू नहीं सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने एक तरीका इसका निकाला है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से जैसे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं वैसे ही शेयर भी ट्रांसफर कर देते हैं एक ऐसे आपके अकाउंट में जिसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स रखे जाते हैं, ठीक है। ये डीमैट अकाउंट जो है वो डिपॉजिटरी के पास खुलता है। और एक और अकाउंट होता है जिसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, ये ब्रोकर्स के पास खुलता है। जब हम बाइंग या सेलिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो या ETF हो, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से खरीद बेच करके हमारे डीमैट अकाउंट में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि ये एक मंडी होती है एक्सचेंज, जिसमें हम बाइंग और सेलिंग करते हैं स्टॉक्स की, और इसमें ETF की भी बाइंग और सेलिंग होती है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक्सचेंज मतलब हुआ बाइंग एंड सेलिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। उसके बाद आता है ट्रेडिंग, ट्रेड। ट्रेड करने में एक व्यक्ति होता है या एक समूह होता है जो बाई करना चाहता है, और वो समूह या वो पर्टिकुलर व्यक्ति इन्वेस्टर अपने ब्रोकर को बोलता है कि मुझे क्वांटिटी ऑफ द शेयर या एक्स क्वांटिटी ऑफ ETF मुझे बाई करनी है। अब वो जो डायरेक्शन होता है, वो जो ऑर्डर होता है, वो ब्रोकर के थ्रू होते हुए एक स्टॉक एक्सचेंज में जाता है। और दूसरी तरफ से कुछ लोग और होते हैं या एक इन्वेस्टर और होता है जो अपने ब्रोकर को बोलता है कि उसे एक्स अमाउंट ऑफ शेयर या एक्स क्वांटिटी ऑफ शेयर, पर्टिकुलर शेयर सेल करना है। तो लेट्स अज्यूम कि एक इन्वेस्टर ने बोला कि मुझे 100 स्टॉक्स बाई करने हैं रिलायंस के, एक इन्वेस्टर ने बोला कि मुझे 100 स्टॉक्स सेल करने हैं रिलायंस के। ये दोनों के ऑर्डर अपने अपने ब्रोकर के द्वारा मिल करके एक्सचेंज में आते हैं, और जब वो एक्सचेंज में दोनों ऑर्डर को मैच किया जाता है तो उसमें ट्रेड हो जाता है, ओके? उसके बाद तीसरा चीज है फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि
एक इन्वेस्टर होता है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक पूल किया जाता है एक ऐसे फंड में जिसको एक फंड मैनेजर जो है वो मैनेज करता है। यानी कि जब आप अपने पैसे को देते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए दिए, तो आपके जैसे और भी लोगों ने, किसी ने 10 हजार, किसी ने 50 हजार, किसी ने 5 लाख रुपए दिए, ये सारे एक फंड में जाकर के कलेक्ट होते हैं, एक जगह पे जाके कलेक्ट होते हैं जो कि फंड मैनेजर के अंडर में रहता है। और फंड मैनेजर उसे पर्टिकुलर सिक्योरिटीज यानी कि एक ही नेचर के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लगाता है। जैसे मान लीजिए जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड में डालेंगे, तो फंड मैनेजर आपका सिर्फ उससे गोल्ड ही खरीद सकता है और कुछ नहीं, और उसे ही वो मैनेज करेगा। उससे जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न आपको वापस दिया जाएगा। तो जब हम इसे अब कंपाइल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है और म्यूचुअल फंड, इन दोनों को मिला करके एक प्रोडक्ट बनाया गया है जिसको कहते हैं ईटीएफ। ईटीएफ लुक्स लाइक अ म्यूचुअल फंड बट ट्रेड लाइक अ स्टॉक, ठीक है? यानी कि जो ईटीएफ है वो म्यूचुअल फंड की होता म्यूचुअल फंड है, लेकिन स्टॉक की तरह उसकी ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर हम इसको देखें तो आने वाले समय में, पिछले समय में भी बहुत सारे ऐसे ईटीएफ अलग अलग कंपनी के द्वारा लाए गए हैं। चूंकि म्यूचुअल फंड एक कंपनी यानी कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, तो वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही उसे लॉन्च करती है। आप देख सकते हैं 2015 में एडलवाइस का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आया था जो कि निफ्टी का था, यानी कि निफ्टी का फंड, यानी कि उसमें 50 स्टॉक निफ्टी के ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, और उसी प्रोपोर्शन में रहेंगे जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी है। तो अब मान लीजिए कि निफ्टी अगर लेट्स अज्यूम कि 10 हजार पे चल रही है, तो म्यूचुअल फंड का जो ईटीएफ है वो भी 10 हजार या उसके 1/10 पार्ट या उसके 100 पार्ट पे चलेगा। अगर निफ्टी ने 10% का प्रॉफिट दिया तो आपका ईटीएफ भी 10% का प्रॉफिट देगा, यानी अगर वो 1,000 रुपए का है तो वो 1,100 रुपए का हो जाएगा। अभी आप जब भी चाहें, बीच में उसकी ट्रेडिंग होती रहती है, आप जब चाहें उसको खरीद सकते हैं एक्स्ट्रा, या आप अपना ईटीएफ यूनिट उसको सेल कर सकते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। अगर आप बाई करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में वो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ आ जाएगा, और अगर आप सेल करते हैं तो वो ईटीएफ आपका आपके डीमैट अकाउंट से निकल जाएगा और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ब्रोकर वाले ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच में क्या ट्रेडिंग है। इसे कंपाइल करते हैं तो ईटीएफ जो है उसे ट्रेड किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड को ट्रेड नहीं किया जा सकता है। ईटीएफ जो होता है एक पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है। अभी पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड और एक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड के बीच में ये डिफरेंस होता है कि पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड को एक बार मार्केट में लगा दिया जाता है, यानी कि निफ्टी का अगर ईटीएफ है तो एक बार निफ्टी के प्रोपोर्शन में वो स्टॉक खरीद लिए जाते हैं, उसे फंड मैनेजर छेड़छाड़ नहीं करता है। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर नीचे करेगी वैसे वैसे जो ईटीएफ है वो भी ऊपर नीचे करेगा, लेकिन एक्टिव फंड्स में बार बार फंड मैनेजर अपने एंड से स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग करता है। ईटीएफ को जो बनाया गया था तो वो इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया था, क्योंकि उन्हें इजी रहता है कि वो अपने निफ्टी में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो जब चाहें वो उसे सेल कर सकें और बाई कर सकें। जबकि म्यूचुअल फंड ज्यादातर इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया था या रिटेलर्स के लिए बनाया गया था जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में ज्यादा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ईटीएफ की लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। हाई का मतलब है लिक्विडिटी कि आप जब चाहे इसको तब सेल कर सकते हैं। मार्केट आवर्स में भी आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकती है तो आप उस समय इसको सेल कर सकते हैं, जबकि जो म्यूचुअल फंड है उसको आप दिन के आखिरी बार ही निकाल सकते हैं। जब दिन पूरा गुजर जाता है तो लास्ट में एनएवी जब कैलकुलेट होती है उसी समय आपका म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन होगा, बाकी नहीं होगा। इसके ईटीएफ्स को कौन बाई कर सकता है? ईटीएफ्स को हर कोई बाई कर सकता है। जब ये इंट्रोड्यूस लेकिन जब किया गया था मार्केट में तो ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए था,
लेकिन अभी जो है ETF छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी है, कोई भी इन्वेस्टर इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है, कोई भी इसे बाय कर सकता है अपने ब्रोकर के थ्रू, और उसे सिर्फ ये करना होगा कि अपने ब्रोकर को बताना होगा कि वो इस ETF को बाय करना चाहता है, अदरवाइज ब्रोकर का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उससे भी वो डायरेक्ट ये बाय कर सकता है। अगर आप ETF को बाय करना चाहते हैं तो सिंपल आप जहां पे स्टॉक सर्च करते हैं वहां पे सिंपल आप सिर्फ इतना लिखना है आपको कि निफ्टी ETF या फिर एडलवाइज निफ्टी ETF या फिर निफ्टी बीज रिलायंस निफ्टी ETF ऐसे करके आप लिखेंगे तो आपको कई ETF का मिल जाएगा नाम और आप देखेंगे कि उसकी ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन निफ्टी ETF या इस तरीके के ETF कौन कौन टाइप के होते हैं ये हमें समझना होगा। देखिए एक होता है स्टॉक ETF, ठीक है। स्टॉक ETF में पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स रखे जाते हैं, उन्हें हम इक्विटी के बेसिस पे देख भी सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं, और इंडस्ट्री के भी अलग अलग ETF होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो आपको फार्मा का ETF भी मिलेगा, आपको IT के भी ETF मिलेंगे, आपको रियल्टी के ETF मिल सकते हैं, इस तरीके के अलग अलग तरीके के इंडेक्स ETF भी आपको मिलेंगे और इंडस्ट्री ETF भी मिलेंगे। इंडेक्स ETF में बैंक बीज आपको मिलेगा, बैंक का ETF मिलेगा, देन आपको निफ्टी 50 के ETF मिलेंगे, सेंसेक्स 30 के ETF मिलेंगे, इस तरीके के आपको इंडेक्स के ETF मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप स्टॉक के अलावा आगे बढ़ते हैं तो बॉन्ड के भी ETF मार्केट में अवेलेबल है, कमोडिटी के ETF अवेलेबल है। कमोडिटी के ETF में सबसे ज्यादा नाम जिसका आता है वो है गोल्ड ETF, यानी अगर आपको फिजिकल गोल्ड बाई नहीं करना है तो आप इजीली जो है मार्केट से हर महीने या अपनी सुविधा के अनुसार आप गोल्ड ETF में पैसा लगा सकते हैं और आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सेक्टर और इंडस्ट्री ETF, जो इसके पहले मैंने बताया कि आपको अलग अलग सेक्टर्स के ETF मिल सकते हैं। अभी आपको लग रहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री बढ़ने वाली है तो आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का ETF अगर मार्केट में अवेलेबल होगा किसी कंपनी के थ्रू तो आप उसमें भी बाइंग कर सकते हैं। करेंसी ETF भी मार्केट में नया आया है और ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स की ओर से। आपके पास मान लीजिए कि अगर आपको डॉलर्स बाई करने हैं और डॉलर्स के संग आपको लग रहा है कि आप उसे फिजिकल नहीं रखना चाहते हैं तो आप करेंसी ETF में डॉलर का भी ETF बाय कर सकते हैं या अलग कोई और करेंसी का भी ETF बाय कर सकते हैं। ETF के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसा कि जो सबसे पहला एडवांटेज ETF का है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि जब आप बाय करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को तो उसमें रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप इस तरीके के 10 स्टॉक बाई करते हैं तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कई तरीके के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं। लेकिन जब आप ETF को बाई करते हैं तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको एक एक करके स्टॉक खरीदना या बेचना नहीं पड़ता, आप तुरंत जो है उसे एक बंच ऑफ स्टॉक चूंकि ये होता है तो आप तुरंत जो है अपने ETF को एक साथ सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो में भी काफी समय के लिए आराम से रखा जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, जैसे कि ये ट्रेडिंग होती है इसकी, तो आप मार्केट आवर्स में इसको कभी भी चाहे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसमें बहुत कम होता है बाकी जो म्यूचुअल फंड है उसके हिसाब से, क्योंकि जो बाकी म्यूचुअल फंड होते हैं उसको एक्टिवली फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, इसलिए फंड मैनेजर को उसमें अपना बहुत ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है, इसलिए उसकी जो है एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ी ज्यादा रहती है। जबकि ETF को फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है ज्यादा, उसको सिर्फ एक बार लगाया जाता है और मार्केट के हिसाब से ETF अपने आप को मार्केट के हिसाब से मैनेज करता है, इसलिए उसमें जो है एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। अभी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आज गिर सकती है तो आप चाहें तो एक दिन के लिए उस ETF को सुबहरे बेच करके शाम को खरीद भी सकते हैं अगर आपके पास वो नहीं है तो भी। हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको शॉर्ट सेल कहते हैं। शॉर्ट सेल का वीडियो मैं किसी समय आगे आपको मैं दिखाऊंगा या बताऊंगा उसमें क्या होता है, हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये चार मेन एडवांटेजेस होते हैं ETF के, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं कि ETF जो है जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं, यानी कि
रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जैसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि लगातार जब आप म्यूचुअल फंड में रहते हैं तो हर महीने जब आप SIP करते हैं तो इसमें आपको एक एवरेजिंग मिलती है। तो ये ETF में ये एवरेजिंग बहुत लिक्विड तरीके से नहीं होती है, क्योंकि आपके हाथ में होता है कब इसको बाई करना है, कब इसको सेल करना है। तो आप अपने हिसाब से इसकी, देखिए एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, कि आप इसको अपने हिसाब से बाई कर सकते हैं, ये ऑटो पायलट नहीं होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसमें। दूसरी चीज, ये सेम इंडस्ट्री और कमोडिटी का होता है, यानी कि इसमें जो है स्टॉक्स के बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होते हैं। अगर आप, या तो आप निफ्टी का ETF बाई कर सकते हैं या आप सेंसेक्स का ETF बाई कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है अपने हिसाब से उसको टेलर मेड करके और उसे ETF बना ले। आपको वही ETF बाई करने हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। चूंकि ETF की ट्रेडिंग होती है तो ये डिमांड और सप्लाई पे काम करता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि निफ्टी 10,000 पे चल रही है, 10,000 से 11,000 पहुंची तो ETF भी जो है वो 1,000 से बढ़ करके 1,100 पहुंच जाएगा। हो सकता है वो 1,100 की जगह 1,105 या 1,103 पे चल रहा हो, या फिर नीचे भी हो सकता है कि 1,098 या 1,095 के आसपास चल रहा हो। एकदम NAV उसकी पूरी तरीके से बिड और आस्क स्प्रेड के बीच में होती है, यानी बायर और सेलर के डिफरेंस के बीच में ही होती है, और एकदम 100% ये जो इंडेक्स है उसके हिसाब से नहीं चलता, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड अबाउट ETF। अब आपको और अगर इसके अलावा भी कुछ ETF के बारे में जानना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या अगर कोई और आपके पास टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। हास्ता ला विस्ता।